देखा हुआ मक्का ए देखो ए ए जो जगह है ना ए देखो ए हां जी ए मुताफ ए जो दिया दूर था लबैक अल्लाहुम्मा लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक अल्हम्दुलिल्लाह मैं और उस्मान भाई जा रहे हैं उम्र अदा करने के लिए। हम जाएंगे लंदन से जदा। हमारी जर्नी इस तरह के, पहले हम जाएंगे लूटन से रोमानिया, हमारा 6 घंटे का ले ओवर है रोमानिया में, और रोमानिया से फिर हम जाएंगे जदा। तो जदा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम किसी के साथ टैक्सी शेयरिंग करके तो जाएंगे अपने होटल मक्का में। मक्का में कुछ देर आराम करेंगे, फ्रेश होंगे, थोड़ा बहुत खाना शाना खाएंगे, तो उसके बाद हम अदा करेंगे उम्र। चूंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी है, तकरीबन 16 घंटे इसमें हमें लग जाने हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत मक्का में जाके थोड़ा होटल में अपने रेस्ट करना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा लेट भी हैं, तो मुझे डाउट है कि कहीं बोर्डिंग में इशू ना बन जाए। तो वैसे अभी तो टाइम है काफ़ी, दो घंटे हैं तकरीबन। उम्र का तमाम तौर जो प्रोसेस है वो हमने खुद ही किया है, चाहे वो एयर टिकट्स हों, चाहे होटल बुकिंग हो मक्का में मदीना में, और चाहे हमारा वीज़ा हो, ये हमने तमाम तर चीज़ें जो है वो खुद ही ऑनलाइन जो है वो हमने अप्लाई की थी। हम जा रहे हैं विज एयरलाइन के साथ, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है विज एयर के साथ, और स्पेशली जो ये रूट है कि आप यूरोप से होते हुए उम्र करने के लिए जाएँ वाया रोमानिया जदा, हम पहली मरतबा जा रहे हैं, तो देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। और वो है गो टू डिपार्चर 12 to 26, चेक इन 12 to 26। समटाइम फ्लाइट्स ऐसी होती हैं जिसको कोई रश नहीं होता, तो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी कोई रश नहीं है, तो होपफुली हमारी बोर्डिंग जो है वो इमिडिएटली हो जाएगी और फिर हम डिपार्चर काउंटर की तरफ जाएंगे। गाइस यहाँ पे अभी सिटिंग एरिया आ गया है, अगर आप बैठना चाहते हैं रेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। टॉयलेट्स उस तरफ हैं, अगर जाना चाहें तो आप टॉयलेट्स के लिए जा सकते हैं, और वाटर रीफिलिंग का जो एरिया है वो भी नज़दीक ही है, तो अगर आपके पास पानी की बोतल है एम्प्टी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये ड्रिंकिंग वाटर का साइन बना हुआ है ये वाला। नाजरीन गेट नंबर अनाउंस हो चुका है, गेट नंबर 30 है, और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर गेट। और मैं वॉशरूम चला गया था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिए, अभी एहसास हो रहा है कि थोड़ा लेट ही हो गए, सो थोड़ा रश करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि डबल चेक भी करना पड़ेगा। आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे गेट नंबर क्या लिखा हुआ है? तीसरी फ्लाइट है, पहली? हाँ नहीं नहीं पहली, हाँ पहली 30 है ना। अगर डबल चेक करना है तो कर लेते हैं, यहाँ से फिर वापस नहीं आ सकेंगे, एक मिनट लगेगा, डबल चेक कर लेते हैं। तो हाँ गेट नंबर 30 है। तो नाज़रीन अभी हमें पता चल गया गेट नंबर 30 है, तो गेट 30 अनाउंसमेंट भी हो रही है, गेट 30 है। साइंस लगे हुए हैं यहाँ पे गेट 30 to 43,
हम गेट नंबर 30 की तरफ जा रहे हैं। Let's go guys। टॉयलेट्स भी हैं यहाँ पे, अगर जाना चाहे यहाँ पे बंदा जो है वो गेट के करीब आके भी टॉयलेट यूज कर सकता है। ये नाज़रीन फाइनली हम गेट 30 पे पहुँच गए। काफ़ी रश लगा हुआ है, लगता है फ्लाइट जैम पैक है और होपफुली हमें कोई अच्छी सी सीट मिल जाएगी। लंबी लाइन है, लंबी लाइन है भाई, लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। आज मौसम बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि सीट सेंटर ही चूज़ की थी। ठीक लूटन से लंदन लूटन टू बुकारेस्ट, ये रोमानिया का एक शहर है और यहाँ पे हमारा तकरीबन 6 घंटे का स्टे होगा और उसके बाद हम बुकारेस्ट से फ्लाइट होंगे जद्दा के लिए और वो अभी तकरीबन 3-4 घंटे की फ़्लाइट हमारी होगी। सुबह 7 बजे फ्लाइट है, अभी तकरीबन यहाँ पे रात के 1:15 हो चुके हैं और छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन बिजी है और चल हो रही है, टैक्सियाँ चल रही हैं, फ्लाइटें आ रही हैं, फ्लाइटें जा रही हैं, वेरी गुड। और बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वेदर काफ़ी ठंडा है लेकिन ये है कि विंडी नहीं है, ज़्यादा हवा नहीं चल रही, लेकिन मौसम जो है ना वो थोड़ा ठंडा है। ओवरऑल अच्छा है, एयरपोर्ट अच्छा है, एटमोसफियर अच्छा है। अच्छा जी, मुझे पानी की बोतल लेनी थी, मेरे पास लोकल करेंसी नहीं थी, यहाँ पे मैंने लोकल करेंसी एक्सचेंज करवाई है, तो मुझे 5 पाउंड के जो है वो 25 यहाँ के लारी मिले। अभी हम जाएँगे और पानी की बोतल लेंगे। अच्छा है और कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है कि आपके कार्ड पे काफ़ी चार्ज कर लेते हैं आपके लोकल बैंक, इसलिए मैंने प्रेफर किया है कि लोकल करेंसी जो है वो एक्सचेंज कराएंगे। मैंने उससे पूछा था कि लोकल करेंसी में मिनिमम आप कितनी एक्सचेंज करा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 1 यूरो का कॉइन था, उसने कहा कि कॉइन एक्सेप्टेबल नहीं है, मिनिमम करेंसी जो एक्सचेंज होगी वो 5 पाउंड होगी या 5 डॉलर होगी या 5 मतलब नोट करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो मेरे पास 5 पाउंड थे, मैंने 5 पाउंड एक्सचेंज करवा लिए और मुझे यहाँ से लोकल जो है वो 25 लारी मिले, तो आई एम गोना बाय पानी की बोतल एंड आई गो ड्रिंक लिए, इनको ड्रिंक लेके दिए, ड्रिंक दिखाएँ जी, पैसे एक्सचेंज कराए, फिर भाई ने कहा जी हमने तो ड्रिंक पीनी है, तो ड्रिंक लेके दी है, पानी लेके दिया है और अब घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है जी। जनाब एहराम डाल लिया है और अपने गेट नंबर 31 पे आ गए हैं, जहाँ से फ़्लाइट जानी है जद्दा, और आलमोस्ट सारी सवारियाँ जो हैं वो गेट की तरफ रवाना हो चुकी हैं, थोड़े से लोग बकाए हैं और होपफुली ये भी अभी जहाज़ में बैठ जाएँ। जहाज़ में बैठने के लिए बस का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट टर्मिनल को जहाज़ नहीं अटैच हुए और बस में बिठा के जो है वो आगे लेके जा रहे हैं।
जद्दा पहुंच चुके हैं जी, और ये जद्दा एयरपोर्ट है। ये टैक्सियाँ लगी हैं। ये जी हाई टर्मिनल है, और पाकिस्तान से जितनी भी फ्लाइटें आती हैं वो इस वाले हाई टर्मिनल पे आती हैं जी। व्यूज, अब हम जा रहे हैं जद्दा से मक्का, और हमने टैक्सी कर ली है। टैक्सी में हमने शेयरिंग में 5 लोग बैठ गए, बल्कि 4 लोग शेयरिंग में बैठ गए, और अब हम जा रहे हैं जद्दा। वाईफाई लगा है, सॉरी, गाड़ी नीचे देखो, इस्तेमाल करना, देखो याद ही भूल गया। और मक्का में हम जाएंगे अपने होटल पे, होटल पे जाके हम जो है वो थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर रेस्ट करने के बाद जो है हम जाएंगे उमरा अदा करने के लिए। अगर उसके अलावा किसी मकान तक जाइए तो विजिट करने वास्ते ज्यादा उतना नजदीक जिड़ा ना है के नाम है ताइफ है, सेदर कबीर ना है उसका। अच्छा, हां, उसकी हट के भी ये है कि अगर वैसे तुसी ज्यारत करनी है तो बेस्ट है कि मदीने जा सो, तो मदीने वो शहर विच है, ज़ुलैफा नाम है उसका। हां, ज़ुलैफा। ताइफ कितनी दूर है मक्के तो? इतना ही है जितना जद्दे तो मक्का है, 100 तकरीबन 100। तो फिर वो मदीना तो ज्यादा नजदीक होया ना जेड़ा ताइफ है? हां, ताइफ मदीना है, रोड जानी है मुड़के, मदीना उधर नहीं है। हां, नहीं नहीं, मक्का मक्का तो जाना होवे तो फिर बंदा ताइफ चला जावे ना, अगर ज्यारत करनी है ना तो ताइफ चला जाए। हां, वो नजदीक है सबसे। एक कहते पीछे है इधर आना, राबग नाम है उस जगह का, उसका नाम है जोफा। जोफा वो भी मिकात है? हां, जोफा भी। अच्छा, ओ ज्यादा नजदीक है या ताइफ ज्यादा नजदीक है? हां, तुसे मक्के तो वो ज्यादा नजदीक है, नहीं ताइफ, ताइफ वाली। हां, अच्छा अच्छा अच्छा, ते मक्का तो ताइफ आन जान दे, अगर शेयरिंग जाना होवे शेयरिंग तो दूसरा इस तरह गड्डी कोई नहीं लवनी, उसे सारे जा तुसे जाने हो ना, तो मुड़ के तुसे गड्डी नहीं लवनी जितने तुसे जा सो, ताइफ इस कर ताइफ ना, क्योंकि वो जितने गड्डियां हां अल्बत्ता एक क्या के पता होवे ना बंदा, तो उसे लोकल गड्डी किसे की ज्यादा पास है कि मौकफ दे, जेड़ा स्टाफ नहीं है कि जितने गड्डियां जानी होनी है जी जी अंकल, जेड़ा है रात फर्जे मार विच आ जावे तो रात बंदा फिर आराम दे अंदर ही सोना पौंदा, अगर सफर के दौरान रात आ गई है आराम खोल लो ना सकदे? नहीं नहीं, खोल नहीं सकदे, खोल के फिर दम पे आ जाना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, मतलब अगर तू जिस ना चादर पे उतार दे कोई मसला नहीं, मतलब वॉशरूम भी तू जा सो, तो जिस तरह आम तू अपनी पेंट पे जाने हो, कपड़े पे जाने हो, बस इस तरह बचा के आराम दे, बस वॉशरूम, लेकिन खोलने की नियत नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, नहीं वॉशरूम में जगह जाना तो उंजे आराम नहाना सा तो खोल सकते हो ना, दोबारा तू गुस्ल करके आए हो ना, नियत तो तू की थी। हां, नियत तो की थी, तो बस मुड़ के तू गुस्ल करके ही खोलना, बस इसे वजह थी कहने के, उस गुस्ल थी पहले पहले तू सा ये है कि जब दो चार घंटे पांच घंटे छह घंटे तू रेस्ट करो, उसके बाद जाके उठ के वुजू करके ता जाके, यानी कि नहान की लोड़ कोई नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मैं तो समझा भी, मैं तो आके नहाना भी है। नहीं नहीं, बस वुजू करो, जितना भी तुम वॉशरूम इस्तेमाल करने हो, जेड़ा भी कुछ करने हो, पाक ही रहना चाहिए ना, वुजू ही रहना चाहिए था। ठीक 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 ठीक, सही। तो वैसे नहाना मन है अगर उस दौरान? ना माना तो नहीं है, लेकिन तुसे अगर देखो ना, तुसे अगर कोई कोई और कोई जनाबत लग जानी, कोई इस तरह कोई और हो जानी, तो फिर तो कोई मसला नहीं, तुसे ज़ाहिर करो, लेकिन इस तरह तुसे जरूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए। ओके ठीक, समझ आ गया। इस
ਸਭ ਜੀ ਆਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਬਸ ਆ ਕੇ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਮਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਣਾ ਆਰਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਈਂ ਦਿਓ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਰ ਕਰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਤੇ ਅੰਕਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਲੱਗਾ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਆ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਯੂਕੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਡੇਟਾ ਬਰਥ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਟ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਕਲੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਦਲ ਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਰਹੋ $120 ਬੱਤੀ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ $899 for 5 years. شکر الحمدللہ ہم نے اپنا عمرہ خیر و عافیت سے مکمل کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے گھر بلایا اور عمرے کی سعادت بخشی ہم نے آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے گھر بلائے تاکہ آپ بھی اللہ کے حضور اپنی دعائیں پیش کریں اور اللہ آپ کی دعائیں قبول و منظور فرمائے آج کا ہمارا یہ دن ختم ہوا ہے ابھی ہم کافی تھک چکے ہیں چونکہ ہم نے سفر کیا 16 گھنٹے کا اس کے بعد عمرہ کیا تو ابھی یہاں کے رات کے 2 بج چکے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے سوئیں گے تو انشاءاللہ کل دوبارہ اٹھیں گے تو کل مکہ کی تمام تر زیارتیں کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اگلے ولاگ میں مکہ کی تمام تر زیارتیں دکھائیں گے تو آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں اللہ حافظ